आदरणीय दर्शकहरु, हामी यतिखेर तपाईहरुको बीचमा विशेष व्यक्तित्व, विशेष आध्यात्मिक व्यक्तित्वलाई लिएर उपस्थित भएका छौँ। यसभन्दा अघि पनि हिन्दू टिभीमा हामीले शंकराचार्य श्री महाराजको पनि अन्तर्वार्ता प्रसारण गरेका थियौँ र आज हामीसँग त्यस्तै व्यक्तित्व, धर्म, संस्कृति र संस्कार परम्परा साँच्चै नै जीवन्त छ र यो जीवन्त राख्नका लागि अभिप्रेरित गर्ने व्यक्तित्वहरू, धर्मका अत्यन्त परायण व्यक्तित्वहरू हाम्रा बिचमा एकदमै कम मात्रामा आउनुहुन्छ। यिनै बिचका क्रममा जगद्गुरु सूर्याचार्य कृष्णदेव नन्दगिरी महाराज, सूर्यपीठ मुरलीधर मन्दिर द्वारकाधाम अखाडा, जो जुना अखाडा भन्ने बित्तिकै संसारका तमाम सन्तहरूको एउटा प्रमुख केन्द्र हो र जहाँ हामीले नेपालमा महाशिवरात्रिमा जहाँ हामीले अघोरी बाबाहरू र त्यसै गरी हामीले नागा बाबाहरू देख्ने गर्छौँ, त्यो नागा बाबाको पनि अखाडा जुना अखाडा हो। त्यसका प्रमुख आज हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ जगद्गुरु श्री महाराज। युवा सङ्घ, विश्व हिन्दू युवा सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समिति और से आपका हिन्दू टिभी पर स्वागत है महाराज श्री। धन्यवाद महाराज श्री। नेपाल आने का खास मकसद क्या है? अभी महाराज श्री का क्या प्रोग्राम है? नेपाल में आने का उद्देश्य जो है, सबसे पहला उद्देश्य है कि हम सनातनी हिंदू धर्म जागृति का मिशन लेके चल रहे हैं। भारत और नेपाल, इन दो राष्ट्रों के बीच में एक हिंदुत्व का अपना पन निर्माण करने के दृष्टि से इस यात्रा का मैंने आयोजन किया है। महाराज श्री, नेपाल पहले विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र थे, अभी नहीं, फिर भी नेपाल हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बहुत कुछ आंदोलन और मोर्चाबंदी भी चल रहे, इसमें महाराज श्री का क्या विचार है? इसमें मेरा अपना ऐसा विचार है कि भारत और नेपाल, ये दोनों जो देश है, एक कट्टर हिंदू का देश है और हिंदुत्व के नाम से राजा की गद्दी नेपाल में और हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक ऐसा समतोल बना था, पर आज भारत के अंदर गए 8 साल से हिंदुत्व के नाम पे राज करने वाला भारत का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर मोदी जी, ये सभी हिंदू के हृदय में एक हिंदू हृदय सम्राट बने हैं और उनके पीछे हमारी भी प्रेरणा है। जो माननीय नरेंद्र भाई मोदी, उनके तीनों कार्यक्रम में हमने उनको आशीर्वाद दिया है, 2 बार मुख्यमंत्री में और 3री बार जब उन्होंने द्वारका धाम से अपना कार्यक्रम घोषित किया कि प्रधानमंत्री पद का मैं दावेदार हूं 2014 में, तो उनका हिंदुत्व का मिशन और भारत देश के सभी लोगों को साथ लेके जाके उनको हमारे मिशन में किस तरह से लाएंगे, कैसे हम इनको सनातनी बनाएंगे, ये उद्दिष्ट की प्रेरणा उनके वाणी से हमको मिली। हमने हिंदुत्व को जागृत रखने के लिए उनको कई उपाय सुझाए। हमने कोरोना काल के अंदर सबसे पहले नेपाल को वैक्सीन भी देने के लिए कहा, मदद भी देने के लिए कहा, क्योंकि नेपाल हमारा
छोटा भाई है। नेपाल से हमारा अपनापन है। हम हर्ष से कहते हैं कि हम नेपाल के, नेपाल हमारा है। अरे हिंदुत्व, जो हिंदुत्व है वो हिंदुत्व और किसी जगह पर नहीं है। जो नरेंद्र भाई ने नेपाल के राजा श्री पंच ज्ञानेंद्र महाराज, इनका भी जन्म उत्सव दिल्ली के अंदर मनाया। हाँ। और बड़े उत्साह में मनाया। और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का 17 सितंबर में 72वां जन्मदिन आ रहा है। तो हमने ऐसा विचार किया, क्यों ना एक हिंदू राजा का हमने सम्मान और जन्म उत्सव साजरा किया है, तो क्यों हम प्रधानमंत्री का नेपाल में नहीं करें। पशुपतिनाथ मंदिर में हम 17 तारीख सुबह 9 बजे मंत्र जाप करेंगे, जलाभिषेक करेंगे, महामृत्युंजय करेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे और 11,000 ज्योति का ज्योत प्रज्वलित भी करेंगे, जो उनके आयु बढ़े और हिंदू के लिए उनको लड़ने की शक्ति मिले। महाराज श्री, अब आपने बताया जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अब प्रधानमंत्री है, क्योंकि नेपाल में अब नेपाल हिंदू राष्ट्र के लिए आवाज़ बुलंद हो रहा है, था भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सपोर्ट नहीं मिल रहा है बोल रहे हैं ना अभी, क्या है? जी नहीं, यदि अगर नरेंद्र मोदी का सपोर्ट नहीं मिलता तो नेपाल के प्रधानमंत्री अभी कुछ समय पहले भारत आके गए हैं, उस सारे चीज को उन्होंने मान्यता दी नहीं होती। अगर उनके मन में नेपाल के लिए अगर कुछ ऐसा होता, उनके मन में किंतु परंतु होता, तो उन्होंने नेपाल देश की सारी मान्यता, कई चीजों की एग्रीमेंट्स उन्होंने नहीं किया होता। इसे ना यहाँ पर ऐसा है महाराज श्री, नेपाल के नेता लोग जाते हैं भारत में, है ना, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री महामहिम से भी मिलती है, वह प्रतिबद्धता भी जनाते हैं, सब नेपाल आया वो सब भूलते हैं, ये समस्या है यहाँ पर। देखिए एक चीज है, नरेंद्र भाई मोदी जिसे मिलते हैं वो अपने कैबिन में मिलते हैं, प्रोटोकॉल के हिसाब से भारत और नेपाल का सौंदर्य बढ़े, सौजन्य बढ़े और नेपाल में हिंदू के घर में कैसा दिया जले, ये नरेंद्र भाई का मिशन है। हाँ तो सर, महाराज श्री अभी यहाँ नेपाल दौरान के पर आपका क्या, महाराज अधिराज ज्ञानेंद्र और राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी प्रधानमंत्री शेरबहादुर देवा के मिलने के कुछ प्रोग्राम है? जी, मेरे मिलने की इच्छा है और मैंने इसी तरह से उनको मिलने के लिए मेरा प्रस्ताव भी भेजा है। क्या जवाब आया? अभी कोई उनसे जवाब नहीं आया है, लेकिन जवाब आएगा। मैंने तो नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम में उनको आने का न्योता भी दिया है कि ये जो सुबह यज्ञ कर रहे हैं, जो महामृत्युंजय कर रहे हैं, आप भी बड़े दिल से इस कार्यक्रम में आइए और दिखाइए कि हम भी प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में आए और हम भी उनके साथ हैं। एक देश की और ये पड़ोसी देश है ना, भाई भाइयों का संबंध भी आपने चर्चा किया महाराज श्री ने, जो नरेंद्र मोदी दास का अब ये बर्थडे के जो प्रोग्राम पशुपतिनाथ में हो रहा है, है ना, दो बार तो पशुपतिनाथ भी आया प्रधानमंत्री, है ना, और पिछले बार आने की कसरत भी कर रहे। अब ये अवसर में जुना अखाड़ा जो संसार से बड़े सबसे बड़ा संतों का अखाड़ा भी है और जोगियों का अखाड़ा भी है,
अब यहाँ आने का मकसद क्या आपका नरेंद्र मोदी का बर्थडे मनाने के लिए कि नेपाली को लिए क्या करने के लिए? हम नेपाली के लिए आए हैं। हाँ, हमारे नेपाली भाइयों को मिलने के लिए आए हैं। नेपाली भाइयों के बीच में हम एक हिंदुत्व की भावना निर्माण करने के लिए आए। आज नेपाल 95% पर आया है, वो 100% कैसा हिंदू बनेगा, इस मिशन को हम आगे जागृत रखने के लिए, युवाओं के अंदर ताकत देने के लिए, और युवाओं को 5 लाख युवाओं को हम रोजगार देने की इच्छा कर रहे हैं। यदि अगर भारत के प्रधानमंत्री की इच्छा नहीं होती तो हम यहाँ आए नहीं होते, और ये इच्छा आपके पास प्रकट नहीं की होती कि हर घर में 5 लाख लोगों को हम रोजगार देना चाहते हैं। हाँ, इसमें विश्व हिंदू युवा संघ अंतर्राष्ट्रीय समिति जो नेपाल में कार्यरत है अभी, इसका भारत में भी चैप्टर है। हाँ, संसारों का 37 राष्ट्र में भी इसका चैप्टर है ना। ये मिशन में विश्व हिंदू युवा संघ अंतर्राष्ट्रीय समिति कैसे शामिल हो सकती है? एकदम इजी वे है। हमारा युवाओं से कहना है, अगर हिंदू बन के जीना है तो जगत गुरु सूर्याचार्य कृष्णदेव नंदगिरी के सिवाय और किसी का कोई रास्ता ही नहीं है। हमारे साथ जुड़ो, हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, और देश को एक ऊंचे माध्यम पर लेके जाना चाहते हैं। नेपाल देश के अंदर 5 लाख युवाओं को हम रोजगार देना चाहते हैं। यहाँ विश्व हिंदू युवा संघ अंतर्राष्ट्रीय समिति इसमें जुड़ दिया है ना जी। महाश्री, इसके बीच में जो अभी नेपाल में चल रहे हिंदुओं का मिशन भी चल रहा है, इतना इधर भी है, उधर भी है, उधर आपके भी पास में बहुत गया वाला हो वहाँ पर जी, कैसे लगी रहे? देखो, हम एक चाहते हैं, मैंने आपको एक छोटी सी बात अभी बता दी, 95 है और उसको 100% करने का हमारा मिशन है। जो गए हैं उनको हम कह रहे हैं कि लौट आओ, आपके शुद्धि करके हमारे में हम वापस आपको लेने के लिए तैयार है। और ऐसा नहीं, जिस कारण से आप गए हैं, आप धन की लालसा से गए हैं, आप आपके अंतर्गत कोई जरूरत के लिए गए हैं, आओ हम सब मिलके मेहनत करते हैं, और हमारे हिंदुत्व के अंदर से हम जो चीज निर्माण करना चाहते हैं वो चीज आपको मैं दिखा दूंगा कि ये चीज आपके लिए है। धन नहीं पर तन जरूर है, और तन आपके पास तो आपके लिए मजूरी आपकी तैयार है। हम आपको जैसे चाहे वैसे, इजी मनी हर इंसान को चाहिए, लेकिन हम इजी काम सिखाना चाहते हैं। तुम्हारे बल पे तुमको तुम्हारा पैसा दिलाना चाहते हैं, तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारी अपनी मेहनत की रोटी दिखाना चाहते हैं। किसी के पैर छू के पैसा लिए हुए नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हिंदू किसी के सामने झुकने वाला नहीं और झुकेगा नहीं। जब नेपाल में अभी ये चल रहा है, महाराष्ट्र को पता भी है ना, आप जुना अखाड़ा का प्रमुख भी जी है ना जी, यहाँ पर कई साल से आगे यहाँ पर हेमानंद गिरी जो जुना अखाड़ा बोलती थी, हाँ उन लोग ने वो आपको उनको आपने बोला है, वो शंकराचार हुआ नेपाल में, बहुत विवाद हुआ उसका, हेमानंद गिरी वो शंकराचारा बोला, क्या शंकराचारा है जुना अखाड़ा से? जी नहीं। हो सकती है शंकराचार्य? जी नहीं। संसारों में 4 शंकराचार्य है ना महाराज श्री? 4 शंकराचार्य आज के दिन में मौजूद है। हाँ, एक है पहले हमारे श्रद्धेय स्वरूपानंद सरस्वती महाराज, आनंद विभूषित जगत गुरु स्वरूपानंद जी महाराज, उनका अभी देवासन हुआ है, और उनके जगह उनके आदरणीय 2 पटशिष्य है, एक जगतगुरु शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जी आज द्वारका पीठ के शंकराचार्य बने हुए हैं, और दूसरे जगतगुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी जोशीमठ के लिए बद्रिका आश्रम के लिए घोषित हुए हैं। तो ये 2 शंकराचार्य जी है। आज तक 4 शंकराचार्य थे,
और है। हिमानंद गिरी शंकराचार्य नहीं, नहीं है। महाराष्ट्री आपके ये नेपाल ये दौरान में जो भ्रमण हुआ है, अब इस बात में नेपाल के प्रथम जगत गुरु बाल संत मोहन शरण देवाचार्य श्री महाराज से मिलने के लिए आप भी पधार रहे हैं वहां पर, है ना? मेरी कोई व्यस्तता के कारण हाँ इस समय मैं नहीं जा पाऊंगा। सुनसरी नहीं जा रहा, ऐसा मेरा यहाँ पर थोड़ा सा दूसरा काम अचानक से आया हुआ है, जिस पर नेपाल के लिए हमको बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, इसलिए मैं उसको वहाँ जाने का होगा तो भी आगे समय लेके जाएंगे, पर अब इस समय मेरे जाने का कदाच नहीं होगा। एक साल के बाद वो कुंभ भी लग रहे हैं वहाँ पर जी, है ना? वो कुंभ में अब आपका स्वागत हुआ सकते क्या है प्लान? यदि अगर मुझे बुलाएंगे तो मैं अवश्य आऊंगा। हाँ। आपको महाराष्ट्र की प्रतिबद्धता रहे वहां पर। आपको एक बात बताता हूँ। हाँ। जैसे मैंने कहा कि अभी तक चार आचार्य थे, देवीचार्य, गणेशाचार्य, भागवताचार्य और शंकराचार्य, पर पंचदेव के प्रमुख देव है सूर्यदेव, और सूर्यदेव की मैं आराध्य आराधना करता हूं। 56 साल से मेरी साधना है। दो शंकराचार्य जी ने, उपपीठ के दो शंकराचार्य जी ने मुझे जगत गुरु की पदवी बहाल की, मेरे जूना अखाड़े ने मुझे जगत गुरु की पदवी बहाल की, और जगत गुरु आद्य सूर्याचार्य होने का सौभाग्य मुझे आप सभी संत मंडली ने दिया। मैंने परीक्षा दिया और परीक्षा देने वाला प्रथम व्यक्ति हूँ जिसने सूर्य परीक्षा दिया और पहला सूर्याचार्य बना है। हेलो। और ये हिंदुत्ववादी होने के कारण कट्टर हिंदू का कर्म करते आए हैं। 18 संस्था से जगत गुरु सूर्याचार्य कृष्णदेवानंद गिरी महाराज 18 संस्था से एक तो संरक्षक हूँ, सनातन हिंदू सेना इसका संरक्षक हूँ, आज घर घर में हिंदू घर घर में दीप जले इस यातना को लेके हम आया है, और जैसा भारत में हम लोगों को किया है संगत वैसे ही हम नेपाल में करना चाहते हैं, और आप सब जैसे युवाओं के संगठन द्वारा हम ये करना चाहते हैं कि यहाँ गौ हत्या बंद होना चाहिए, गौ रक्षा होना चाहिए, अत्याचार अन्याय बंद होना चाहिए, और जहां जहां हिंदू पर अन्याय होता है वहां वहां आप जैसी युवा पीढ़ी युवा टीवी ये चैनल वहां दौड़ के जाए आए और लोगों को न्याय दे, उनके लिए चाहे मौत की परवाह न करते हुए उस चीज को दिखाया जाए, किसी के डर से कभी ये युवा चैनल हिंदू चैनल किसी के दर्द में नहीं आए। निश्चय ने महाराज श्री जो महाराज के आशीर्वाद मिलो तो विश्व हिंदू युवा संघ अंतर्राष्ट्रीय समिति जो नेपाल में कार्यरत तो में भारत में भी हमारी कमेटी वहाँ पर सक्रिय है, एक कमेटी के जो आपने आशीर्वाद दिया अवश्य ये आशीर्वाद के हम लोग के लिए वो आदेश महर्षि का आदेश है, ये आदेश पालन हो अवश्य होगी। देखिए हम भारत में साधु संतों का एक नया संगठन है गुरु वंदना, डीजी वंजारा आईपीएस ऑफिसर है गुजरात के, आपको उनका नाम मालूम होगा, उनके अध्यक्षता के अनुसार वह एक पार्लियामेंट्री स्टेट की साधु संतों की पार्लियामेंट्री बनी है, जहां एमएलए एमपी ऐसे संत को बनाया है, और वहां राज सत्ता के साथ साथ धर्म सत्ता भी हमने निर्माण किया है। उनके मुख्यमंत्री है तो हमारे भी मुख्यमंत्री है, उनके राज्यपाल है तो हमारे भी राज्यपाल है, उनके मंत्री है कैबिनेट मंत्री है तो हमारे भी कैबिनेट मंत्री संत ही है, एक भी दूसरा कोई नहीं,
संतों का कैबिनेट मंत्रालय बनाया हमने, और जैसे हिंदुओं की पहली राजसत्ता के साथ धर्म सत्ता चलती थी, वैसे हम नेपाल देश के अंदर भी आपके जितने मुख्यमंत्री के पार्ट है, राज्य है, उतने राज्यों के अंदर भी हम संतों का जल्द ही आप द्वारा ये निर्माण करेंगे। ठीक है महाराज, आपने बहुत समय दिया, विश्व हिंदू युवा संघ को विश्वास भी दिया, इसके लिए महाराज से नमन, धन्यवाद।